सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आज के दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे दुबई कॉइन के बारे में, DBIX कॉइन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इस कॉइन की हमें हाइप देखने को मिल रही है। कुछ टाइम से ही अगर इस कॉइन के बारे में हम बात करें तो लगभग 1000% से भी ज़्यादा का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और काफ़ी बड़ी जो मीडिया हाउस है, अगर आप गूगल पे यहाँ पे सर्च करोगे तो आप देख सकते हो बिजनेस टूडे और इस तरह के बहुत सारे जो वेबसाइट है, जो बड़े बड़े जिसके फॉलोवर्स हैं, वो सभी इस कॉइन को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि इसमें से बहुत सारी कुछ ऐसे भी वेबसाइट है जैसे कि आप मनी कंट्रोल या फिर इकोनॉमिक्स टाइम, वो इसे फेक भी बता रहे हैं। कुछ और आगे हम यहाँ पर बात करें तो कुछ यूट्यूब जैसे कि बीज तक जो कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे फॉलोवर्स रखते हैं, उसने भी यहाँ पे इस कॉइन को प्रमोट की है। बिटकॉइन से महंगी है ये क्रिप्टो करेंसी इस तरह से, और कॉइन स्विच कुबेर की तरफ से इसे प्रमोट किया गया है। तो फिलहाल हम यह जानने की कोशिश करेंगे दुबई कॉइन की क्या यहाँ पे पोटेंशियल लगती है, क्या वाकई में इस कॉइन में कुछ पोटेंशियल है या फिर एज हाइप इसे स्कैम के रूप में प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो न्यू कमर्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी में वो आसानी से यहाँ पे फंस जाए। तो वीडियो को आप पूरा देखो ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर ज्वाइन करना है जहाँ पर बहुत सारे मार्केट के अपडेट आपको मिलते हैं। तो आप जब दुबई कॉइन के बारे में यहाँ पे सर्च करोगे तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। crypto.com की एक वेबसाइट जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे इस कॉइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दूसरी हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे एक लाइव कॉइन वॉच में भी दुबई कॉइन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। दोनों के अगर डेटा के बारे में बात करें तो थोड़ा सा अलग डेटा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, प्राइस वगैरह अलग देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इसके डेफिनेशन को यहाँ पे समझें तो इस कॉइन को यहाँ पे एज दुबई गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है, या फिर दुबई की ये कॉइन है इस तरह से यहाँ पे इसे प्रमोट किया जा रहा है, इसे बताया जा रहा है। प्राइस के बारे में बात करें तो लगभग 1.13 USD ये टच कर चुकी होगी, लेकिन फिलहाल इसकी प्राइस काफ़ी कम है। एज अगर आप दुबई कॉइन पर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लाइव कॉइन वॉच पे आप इसे देखेंगे तो इसकी प्राइस काफ़ी कम यहाँ पे बताई जा रही है, और crypto.com पे आप देखेंगे तो इसकी प्राइस इतना बताया जा रहा है। मतलब ये सिंपल सा है कि इसकी प्राइस लगभग यहाँ तक जा चुकी थी। इसके ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो ये हिट BTC में अवेलेबल थी, लेकिन शायद वहाँ से भी अनलिस्टेड कर चुकी हैं, और अभी crypto.com पे है। तो ये शायद अभी यहाँ पे आप इसे बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये पूरी की पूरी एक तरह के स्कैम है। क्योंकि अगर आप इसकी वेबसाइट में जाएंगे तो वेबसाइट में अगर आप यहां पे जाओगे तो इसकी वेबसाइट को आप देख सकते हो, जो कि एक मामूली सी वेबसाइट आपको यहां पे लगेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहां पे नॉट सिक्योर का ऑप्शन है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको यहां पे किसी तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं देनी है। मैक्सिमम चांस बनता है कि ये इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर रख अप लीक करें, वहाँ पर डाटा सेलिंग का यहाँ पर वर्क करें। इस वेबसाइट के डिज़ाइनिंग के बारे में बात करें तो लगभग अरेबियन चेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया है, जो कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो UAE की एक बड़ी कंपनी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन जब आप इसके ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कुछ भी दुबई कॉइन बोलकर यहाँ पे कोई भी चीज़ें ट्विटर अकाउंट नहीं बनाई गई है। अरेबियन चेन बोलकर इसकी यहाँ पे ट्विटर अकाउंट बनाई गई है जहाँ पे इसे प्रमोट की जा रही है, लेकिन यहाँ पे इसने एक मैसेज को भी रीट्वीट किया है एज ए सिक्योरिटी रीजन, जो कि आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। स्कैम अलर्ट, दुबई डज नॉट करंटली हैव एनी ऑफिशियल क्रिप्टोकरेंसी। किसी तरह की ऑफिशियल क्रिप्टोकरेंसी नहीं है दुबई कॉइन। क्रिप्टोकरेंसी दवाज नेवर अप्रूव्ड बाय एनी ऑफिशियल अथॉरिटी। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को क्लियर बताया गया है। दुबई कॉइन, दुबई जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह के अभी फिलहाल किसी भी क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करती है, कोई भी चीज़ें यहाँ पे इसके ऑफिशियल यहाँ पे नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉइन स्विच कुबेर ने भी इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे प्रमोशन की है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो कॉइन स्विच कुबेर की वेबसाइट पे या फिर उसके एक्सचेंज पे ये कॉइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये टोटल फर्जी है, टोटल स्कैम यहाँ पे कॉइन है। कहीं ना कहीं जो न्यू कमर्स होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी में न्यू कमर्स होते हैं, वो यहाँ पे फंस जाते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे गलत है। तो मैं काफ़ी टाइम आपको बोल चुका हूँ कि जो भी मीम कॉइन होते हैं, जो भी इस तरह के कॉइन होते हैं, उन सब पे आपको इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात करें तो हो सकता है कि आपके $100 यहां पे $200 हो सकता है, $300 हो सकता है, लेकिन चांसेस पूरी ज्यादा होती है कि यहां पे आपका $100 $1 बन जाए।
और जहाँ तक इस तरह के कॉइन के बारे में बात है तो बहुत इजी है, आप खुद यहाँ पे अपनी इस तरह के कॉइन को बना सकते हो, काफ़ी इजी है। पैनकेक स्वैप में लिस्टेड कर सकते हो, कहीं भी लिस्टेड कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, कोई एक छोटी सी, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर का कोई किसी भी बंदे को आप जानते हो तो ईजिली वो आपके लिए इस तरह का कॉइन को बना सकता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के कॉइन पर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। अब अगर आप इसकी वेबसाइट को आप यहाँ पे सर्च करोगे, जो इसकी वेबसाइट है arabianchain.org, इसे अगर आप एलेक्सा में यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आप इसे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया पे और यूनाइटेड अरब में ही इसकी यहाँ पे रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी। और वो भी रैंकिंग के बारे में बात करें तो अगर यूएई की ये अगर कॉइन है तो इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा इसकी रैंक आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया के जो लोग होते हैं वो ईजिली इस तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं बिना किसी तरह के रिसर्च के, बिना किसी तरह के छानबीन के वो इस तरह के कॉइन पे इन्वेस्ट कर देते हैं और अंत लास्ट में वो बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी गलत है, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप किसी भी तरह की चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉपर एनालाइज के साथ इन्वेस्ट करो, किसी की भी बात मानने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपने एनालाइज को यहाँ पर देखो, जिस भी कॉइन पर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो एक बार अच्छे से आपको उसे समझने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, कहीं भी अगर आपको इन्वेस्ट करनी है तो कॉइन मार्केट कैप के जो टॉप 20 जो कॉइन होते हैं उन सब पे आप रिसर्च करके आप उन सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ की सिक्योरिटी होती है कि अगर उन सब कॉइनों पे आप इन्वेस्ट करते हो, BNB हो, इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, तो एक चीज़ की गारंटी होती है कि अगर आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रहते हो, सर्वाइव करते हो, तो वहाँ पे इजीली 10x 20x या फिर जितना भी हो आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ पे आप यहाँ पे होल्डिंग करते हो इस तरह के कॉइन पे, मीम टोकन पे, तो ये सियोर है कि आपका जो 100% अमाउंट है वो 1% 1.5% पे हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं होगी। तो हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करो तो कोई प्रोजेक्टेबल कॉइन पे इन्वेस्ट करो, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ रहे। भले ही थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन मार्केट सियोर उठती है और अच्छी प्रॉफिट आपको यहाँ पे देगी। और बाकी का जो भी अपडेट हो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर देना है, जहाँ पे सारी अपडेट वगैरह मिलती रहेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।